कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने की बात कही।